उपवास और नौकरी दोनों मिलाकर करना गलत है। अगर आप उपवास रहना चाहते हो, घर बैठे प्रार्थना भी करना है। कई लोग उपवास रहकर नौकरी में जाते हैं, काम काज करते हैं, शारीरिक दशा में वीक हो जाते हैं, आत्मा में वीक हो जाते हैं, शैतान उनको अटैक करता है और बहुत तकलीफें होते हैं। जब आप उपवास रहते हो, शैतान आपके दिमाग से ही परीक्षा करता है। आपके जीवन में आर्थिक समस्या में हो, बीमारियां है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, आपके हाथ के कमाई में बरकत नहीं है, आपको नुकसान हो रहा है, आपका प्रॉपर्टी केस है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, उपवास प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन मैं आपके सामने लेंट डेज 40 दिन उपवास प्रार्थना कैसे करें, इस विषय के बारे में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है और इसे हम कैसे फॉलो करना चाहिए, ये मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूँ। देखो, 40 दिन उपवास प्रार्थना बाइबल में यीशु मसीह ने किया है, और उसी तरह जब मूसा परमेश्वर का व्यवस्था 10 आज्ञा लेने के लिए सीनाई पर्वत पर चढ़ता है, वहाँ परमेश्वर के पास 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दिए है। ये 40 दिन उपवास प्रार्थना कैसे करें, मुझे नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, इस तरह बहुत लोग कहते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से, अगर आप 40 दिन उपवास कर सकते हैं, टिप बताता हूँ, इसे फॉलो करो। आप सुबह से लेकर शाम तक खा सकते हैं, पी सकते हैं। शाम के टाइम में एक टाइम, मतलब रात डिनर मत करना, रात शाम 5 बजे या 6 बजे घर आने के बाद ना कर बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्तुति करो। शाम 6 से लेकर रात 10-11 बजे तक प्रार्थना करके उपवास रहकर सो जाओ, फिर सुबह 1 घंटा प्रार्थना करके फिर आप खा सकते हैं, फिर आप अपने काम कर सकते हैं। इस तरह आप 40 दिन अगर एक टाइम दिन में रात के टाइम में उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी तरह उपवास के टाइम में याद रखो, चाय मत पीना। अगर आपके घर में पति है, बच्चे हैं, तो पहले उनको रोटी बनाकर सब कुछ देकर बाद में आप बैठकर शाम उपवास करो। बाइबल में यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास में थे तो क्या क्या बातें हम उनके द्वारा सीख सकते हैं, इस वचन के द्वारा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:1 से पढ़ता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलूस से उसकी परीक्षा हो, वहाँ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। देखो, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात जंगल में जाकर उपवास रहने लगे। यहाँ बाइबल में लिखा है ताकि इबलूस से उसकी परीक्षा हो, मतलब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई आने से पहले बहुत परीक्षा की है। जब यीशु मसीह उपवास में थे, जंगल में अकेले थे, वहाँ शैतान ने यीशु मसीह को बहुत परखने लगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारे परीक्षाओं से बाहर आकर सेवा करने लगे। देखो, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी एक परीक्षा के बिना, एक एग्ज़ाम के बिना हम पास, अगले स्टेप में पास नहीं हो सकते। बच्चों को स्कूल जाते हैं, अगर वो उस कक्षा में एग्ज़ाम लिखकर पास होते हैं तभी अगले क्लास में प्रमोट होते हैं। उसी तरह एक विश्वासी के जीवन में कई सारे तकलीफें होते हैं, विश्वास के जीवन में उस तकलीफों से बाहर आने के लिए आपको परीक्षा ज़रूरी है। शैतान परखता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें उस परीक्षा से बाहर लेके आते हैं। यहाँ यीशु मसीह सेवकाई आने से पहले, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले, सेवा शुरुआत करने से पहले उन्होंने उपवास रखा। आप भी आपके जीवन में, शायद नौकरी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, शादी के विषय में, घर खरीदने में, या कोई भी काम फैसला लेने से पहले उपवास रहकर प्रभु की तरह प्रार्थना करो। अगर आप 40 दिन उपवास नहीं रह सकते, कम से कम 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, इस तरह जितना टाइम आप कर सकते हैं उतना टाइम कीजिए, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो लोग उपवास रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर रहती है, ज़रूर परमेश्वर उनको बहुत आयत से ब्लेस करते हैं। लिखा है प्रभु के बारे में, देखेंगे मरकुस अध्याय 1:12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वहाँ वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। देखो, जंगल में यीशु मसीह अकेले रहे, उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे,
शैतान ने एक तरफ परीक्षा करता रहा, उनके मन से दिमाग में आकर कई सवाल उठाता रहा, दूसरी तरफ स्वर्गदूत आकर प्रभु की सेवा करते रहे। हालेलुया। जो लोग उपवास रहकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत उनके पास भेजते हैं और आपको सहायता करते हैं। देखो, उपवास रखना बहुत अच्छी बात है, सब लोग रख नहीं सकते। कई लोग, डॉक्टर्स कहते हैं हफ्ते में एक दिन उपवास रहना सेहत के लिए अच्छा है। हम परमेश्वर के पास आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपवास रहना बहुत अच्छा है। आपके लाइफ में कई सारे बंधन है, उसको तोड़ना है तो उपवास प्रार्थना ही सॉल्यूशन है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को प्रभु के चेलों के पास लाया और कहा, प्रभु तेरे चेले मेरे बेटे को चंगा नहीं कर पाए, क्या आप कर सकते हैं? प्रभु ने कहा, अगर विश्वास है तो सब कुछ मुमकिन है। तो वो व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरा अविश्वास को निकाल दे, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को चंगाई मिले, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास दीजिए। कहते हुए उस पिताजी ने कहा, और प्रभु ने वो लड़के को चंगा किया, उसके अंदर से दुष्टात्मा निकाला। बाद में प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु हम क्यों इसके अंदर दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा, इस तरह की कठिन समस्या बाहर जाने के लिए आपको उपवास और प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। आपके जीवन में आर्थिक समस्या में हो, बीमारियां है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, आपके हाथ के कमाई में बरकत नहीं है, आपको नुकसान हो रहा है, आपका प्रॉपर्टी केस है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, उपवास प्रार्थना करो। 40 दिन उपवास करो, उपवास प्रार्थना। ये 40 दिन में संडे छोड़कर बाकी के दिन सोमवार से शनिवार तक शाम के टाइम में अगर आपको मौका मिले ज़रूर करो। कई लोग उपवास करते समय कहते हैं, ब्रदर मैं उपवास में हूँ, मैं नौकरी में हूँ। उपवास के टाइम में नौकरी नहीं करना है, उपवास और नौकरी दोनों मिलाकर करना गलत है। अगर आप उपवास रहना चाहते हो, घर बैठे प्रार्थना भी करना है। कई लोग उपवास रहकर नौकरी में जाते हैं, काम काज करते हैं, शारीरिक दशा में वीक हो जाते हैं, आत्मा में वीक हो जाते हैं, शैतान उनको अटैक करता है और बहुत तकलीफें होते हैं। जब आप उपवास रहते हो, शैतान आपके दिमाग से ही परीक्षा करता है। जब उपवास रहते हो बहुत भूख लगता है, जब उपवास रहते हो कोई ना कोई अचानक रिश्तेदार आ जाते हैं, जब उपवास रहते हैं घर में लड़ाई या झगड़े लाने की शैतान परीक्षा करता है आपकी। यीशु मसीह का भी परीक्षा की है शैतान ने। आपके लाइफ में भी शैतान बहुत परीक्षा लाएगा उपवास के टाइम में, लेकिन वो परीक्षा में आपको पास होना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तब परमेश्वर अपना स्वर्गदूत आपके पास भेजकर आपकी मदद करेंगे। और एक वचन में लिखा है, पढ़ता हूँ, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4:1-2 में इस तरह लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यारदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसको भूख लगी। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यारदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है। जब हम उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है। बाइबल में लिखा है, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह ने सेवा किया। यीशु मसीह ने उपवास रहकर सेवा कैसे करें, सब चीज़ों को परमेश्वर बोलते रहे अपनी आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। आपको भी परमेश्वर अगर डिसीशन लेने में, क्या लड़का सही है, क्या लड़की सही है, क्या नौकरी सही है, पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊँ या नौकरी करने के लिए अब्रॉड जाऊँ, जो भी डिसीशन लेना है, उपवास रहकर प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं। आज अगर आप उपवास रहना चाहते हैं तो ज़रूर उपवास प्रार्थना कीजिए, बहुत अच्छा है। उपवास प्रार्थना करने के द्वारा 3 फायदे हैं। पहला चीज़, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आपके पास भेजते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपके बंधनों से छुटकारा देते हैं, आपको बलहीनताओं से बचाते हैं, आपको पापों से शुद्ध करते हैं, नया जीवन देते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले कामों को बताकर किस रास्ते में चलना है आपको सिखाएंगे। ये 3 काम जब आप उपवास रहकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। हालेलुया। अभी मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग उपवास रखना चाहते हैं, जो लोग आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना चाहते हैं, जीवन में बंधनों से बाहर आना चाहते हैं, उनके जीवन में उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। कई लोगों को आशा है कि उपवास रहूं,
कैसे रहना है मालूम नहीं है, लेकिन ये संदेश के द्वारा आप 40 दिन रात उपवास रहकर जंगल में आत्मा के द्वारा आप चलाए गए, सीखे गए, और जब शैतान ने परीक्षा की, परीक्षा में सब बाहर आकर सेवा करके हमारे लिए आपने क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन जीवित उठे हैं। आज प्रभु जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने जीवनी के लिए उपवास रहते हैं, उनके जीवन में छुटकारा दीजिए, उनको जीवन में एक नया आशीष दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर प्रभु उनके जीवन में एक चमत्कार करके एक नया आशीष दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में पार्किंग रोड डालना चाहते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कुछ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, इसके लिए बहुत खर्चा है। अगर ये वचन आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो आप एक छोटा सा बेड भेजिए ताकि परमेश्वर के काम में हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपके काम में, आपके बिजनेस में ब्लेस करें। उसी तरह अगर उपवास रहना चाहते हैं तो रहिए, अच्छा समय है, प्रभु ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे और बरकत देंगे। गॉड ब्लेस यू।